जी रसोई बॉन्ड ऑफ टुगेदरनेस विद उपासना में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके साथ रेसिपी साझा कर रही हूँ कटहल की। उसके लिए मैंने कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैं अब डाल रही हूँ सरसों का तेल। गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा है। अब जैसे ही तेल गर्म होगा तो हम कटहल को फ्राई करेंगे। इसमें ये कटहल है, इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है, काट लिया। अब इसको बारीक बारीक पीसेस में। तेल गरम हो गया, अब हम इसमें कटहल डाल रहे हैं। सारे कटहल के पीसेस इसमें डाल देंगे हम। देख सकते हैं ये फ्राई हो रहे हैं। ऐसे हम सारे कटहल के जो पीसेज हैं उनको फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये अच्छे से हमारा हो गया है। हमें इतना ही लाल करना है, इससे ज्यादा ज्यादा नहीं चलने हैं हमने। अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ऐसे ही सारे हम इसको बाहर निकाल लेंगे। कि बचे हुए ये जो हमारे कटहल के पीसेस हैं इनको हम तल लेंगे, फ्राई कर लेंगे। अभी हम ये निकाल रहे हैं और अब इसको भी फ्राई कर लेंगे। कटहल की प्रक्रिया तलने की तो हो गई है, अब हम इसका मसाला बनाने जा रहे हैं। मसाला बनाने के लिए हमने 4 टमाटर लिए हैं और ये हमने प्याज लिए हैं। इसमें बड़ा साइज छोटा साइज के ये प्याज है और ये लहसुन की तुरियां लिए हैं और अदरक लिया है। इन सबको मैं ये ब्लेंडिंग जार है इसके अंदर एक स्मूथ पेस्ट बना लूंगी। इसको ग्राइंड कर लूंगी मसाले को। ये प्याज टमाटर अदरक लहसुन की पेस्ट तैयार है। मैंने कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाला है। ये वही तेल है जिसके अंदर हमने जो कटहल है अपना उसको हमने फ्राई किया था, वही वाली कढ़ाई है। अब इसके हमने गर्म होने रखा है और गैस का फ्लेम हाई रखा है और इसमें अब हम डाल रहे हैं हींग। तेल क्योंकि गर्म है और ये जो हमने प्यूरी बनाई है वो हम इसमें पोर कर देंगे। गैस अपने लो कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम लो रखा हुआ है। अभी हमने डालेंगे हल्दी पाउडर, सेंधा नमक डालेंगे, इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है और अब धनिया पाउडर डाल रहे हैं। अब इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये कलर के लिए होता है, और इसको हम मिक्स कर देंगे। और इसको हम भूनेंगे जब तक कि ये जो हमने तेल रखा था इसके अंदर, तेल डाला था हमने सरसों का, वो जब तक आउटर कॉर्नर्स में नहीं आ जाता, ये पूरे इधर बाहर तक तेल नहीं आ जाता तब तक हम इसको भूनेंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये मसाला, ये जो आउटर कॉर्नर्स हैं इसमें ये तेल छोड़ दिया है, तेल आ गया है सारा कॉर्नर्स पे। ये हमारा मसाला अच्छे से पक गया है, तैयार है और ये हमने लो फ्लेम पे रखा था कम से कम 15 मिनट के लिए। अब हम इसमें ये अपने कटहल डालेंगे। कटहल को हमने सारे कटहल को फ्राई किया था, अब ये हम इसके अंदर डाल देंगे। अब इसको हम हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे सारा। ये मसाला जो है सारा कोट हो जाए इसके ऊपर, कटहल के ऊपर।
ये हमने अच्छे से मसाला मिक्स कर लिया, कोट हो गया इसके ऊपर। अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी। पानी तकरीबन हमने 1.5 कटोरी डाला है। अब हम इसको ढक देंगे, तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसको ढक के रखेंगे लो फ्लेम पर। इसको एक बार और अच्छे से हिला देते हैं। अगर आप नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल की और वीडियोस देखें, पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। अब इसको ढक के रख रहे हैं हम, प्लेट से थाल से ढक सकते हैं। 15 मिनट के लिए इसे ढक के रख रहे हैं और उसके बाद देखते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया। अब इसको उठा के देखते हैं, जो हमारा कटहल है अच्छे से कुक हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे, ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे गरम मसाला और डालेंगे हम कसूरी मेथी। और अब हम इसमें डालेंगे लंबी लंबी कटी हुई हरी मिर्ची। आप अपने हिसाब से भी मिर्ची काट के डाल सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा। और हमारे चैनल की वीडियोस ऐसे देखते रहिए, ऐसे सपोर्ट करते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।